हिंदी विभाग PGDAV कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने नए विमर्शों के संदर्भ में भविष्य का साहित्य विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार की शुरुआत PGDAV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के स्वागत वक्तव्य से हुई। वेबिनार की अध्यक्षता प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन ने की। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर कुमार शर्मा और डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करके किए। कार्यक्रम का समाहार PGDAV कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने प्रस्तुत किया। इस वेबिनार का संयोजन डॉक्टर मनोज कुमार कैन ने किया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी विभाग PGDAV कॉलेज के सभी प्राध्यापक, अन्य कॉलेजों के प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त देश के कई हिस्सों जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु आदि के प्राध्यापक, बुद्धिजीवी और शोधकर्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लगभग 250 की संख्या में लोग थे। अपने स्वागत वक्तव्य में प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने साहित्य पर विचार करते हुए कहा कि कोई भी साहित्य शून्य में उपस्थित नहीं होता है। उसके मूल में वर्तमान और भूतकाल की परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रबुद्ध विचारक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल के कथन साहित्य मनुष्य की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है से किया। इसके परिपेक्ष में उन्होंने भक्ति काल के साहित्य और अंधा युक्त रचना का विवेचन किया। प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि किसी भी साहित्य का मूल मनुष्य का हित है और उसकी रक्षा और कल्याण करना है। अतः रचनाकारों के लिए ये आवश्यक है कि उनकी रचनाएं हमारे देश के संतुलित सामाजिक चिंतन को कैसे विकसित कर सके, तभी हमारे देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण व मजबूत होगी। अंत में डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने कार्यक्रम का संक्षिप्त और अत्यंत व्यवस्थित समाहार प्रस्तुत किया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया। डॉक्टर मनोज कुमार कैन ने वेबिनार का कुशल और बेहतरीन संचालन किया।